देव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर संशोधन विधेयक 2020 पे बोल रही हूँ। अभी बहुत सी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने करी और कि हम किस तरीके से ला रहे हैं, क्या हमारी मंशा है, पॉलिटिकल तंज भी कसे, हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी नाम लिया, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जहाँ आज इतने गंभीर आप एजुकेशन के प्रति हैं, इस विश्वविद्यालय के प्रति हैं, मैं भी आपकी स्मृति के मेमोरी रिफ्रेश कराना चाहती हूँ कि जब हम इसको लेकर आए तो इस विश्वविद्यालय को बंद करने का काम किसने किया। आप वो बिल लेकर आए, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, तब शायद हम शर्मसार नहीं हुए, तब हम एजुकेशन को किस तरफ ले जाना चाहते थे, तकनीकी शिक्षा हम देना चाहते थे, वेयर द वर्ल्ड इज सो कॉम्पिटिटिव, तब आप लेकर आए और आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, आई लाइक टू कोट अगेन, कैबिनेट सब कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन टू क्लोज डाउन हरिदेव जोशी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी जयपुर एज देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग द यूनिवर्सिटी। यह आपका कारण था, आप यही लिख देते कि जो हम एजुकेशन को भगवाकरण करना चाहते हैं उस एजेंडा में ये हमारी फिट नहीं होती, इसलिए हम इसको बंद करना चाहते हैं। आप बकायदा अपने बिल के अंदर लिखते हैं देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग दिस यूनिवर्सिटी। मुझे बड़ा ताजुब हुआ, और जब जब इस बिल की बात आएगी या मेरे निजी राजनीतिक अनुभव की बात आएगी तो एक दो पंक्तियां कहना चाहती हूं। सजाएं बेगुनाहों को मिलेंगी बेगुनाही की, सजाएं बेगुनाहों को मिलेंगी बेगुनाही की, कि फर्दे जुर्म के मुजरिम के मुनसिफ बेखबर होंगे। ये विचारों की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को गोदी मीडिया पसंद है। आप नहीं चाहते कि ऐसे पत्रकार बने जो आपको आंख में आंख डालकर सत्ता को प्रश्न कर सकें, आपको ललकार सकें। आप प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं बनाना चाहते, इसलिए आपका विरोध है इस पर्टिकुलर बिल से, आपका पॉलिटिकल एजेंडा इसके खिलाफ रहा है और हमेशा से रहा है। दूसरी बात, अभी हाईकोर्ट के गिरधान गढ़वी बनाम गुजरात राज्य को सारे के सारे वक्ताओं ने कोट किया और मुझे पता था कि इसको कोट करेंगे, लेकिन ये गुजरात के अंदर सरकार किसकी है, एक मिनट बात मत करो, गुजरात में सरकार किसकी है? जी हाँ, गुजरात वही है जो पूरे भारत में और विश्व में बताया गया कि मॉडल स्टेट है, मॉडल स्टेट। तो आप वहां एजुकेशन के साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी? आप क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर पूरा भगवाकरण करना चाहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, और उस ये पार्ट आप उसका नहीं पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की गवर्नमेंट के लिए कोट किया। यथा राजा तथा प्रजा, द सेंस ऑफ मोरालिटी मस्ट बिगिन फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ द लीडर हु प्रीचेज इज, एंड हु इज द लीडर ऑफ गुजरात वी ऑल नो। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, ये साफ इससे झलकती है। जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं उसे प्रति एक चीज और कह रहे थे, और अजमेर से आने वाले सदस्य भी इसकी बात कर रहे थे कि हाईकोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया, देयर इज अ पेटिशन बीन फाइल्ड बाय पंकज प्रताप सिंह हु हैज क्वेश्चन्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ ओम थानवी वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, आप जानते तो हैं अच्छी तरह, लेकिन आपको अपनी बात को कहने की जो सुंदर कला आप में है उसमें आप जिस बात को इतनी बखूबी से छुपा देते हैं, 2019 में एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है, कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसमें पीएचडी होने या 10 वर्ष के प्रोफेसर होने का उल्लेख नहीं। प्रथम कुलपति राज्य सरकार की मंशा पर राज्यपाल द्वारा लगाया जाएगा। जिन सब कोटेशंस और यूजीसी को आप कोट कर रहे हैं वो प्रथम कुलपति की योग्यता के प्रावधान पर लागू नहीं होता, आप सब जानते हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए, और क्योंकि आपने इसको बंद किया था, ये आपके पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ है, इसलिए आप उसकी बार बार बात करते हैं। जो हम अमेंडमेंट लेकर आए हैं मैं उसमें दो सुझाव भी देना चाहूँगी। एक तो हम 10 वर्ष का अनुभव यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करती हैं, मुझे लगता है कि वी शुड लिमिट दिस एक्सपीरियंस ओनली टू यूनिवर्सिटीज़। मैंने बहुत सारे शिक्षाविदों से बात करी और ये सामने आया कि बहुत जगह बीजेपी अपने आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए
10 वर्ष के अनुभव वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स उनको नहीं मिले तो उन्होंने कॉलेज प्रोफेसर्स को नियुक्त किया। इसलिए विशेष रूप से मैं चाहती हूँ कि इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी तक लिमिट किया जाए। एक दूसरी चीज़ जो प्रोगेटिव है गवर्नर का, उसके लिए भी वी शुड क्विट दैट, वेदर इट इज़ राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऑल ऑफ दिस, जहाँ पे वाइस चांसलर्स आरएसएस के एजेंडा के लिए आइडियोलॉजी से नियुक्त किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कोई मैकेनिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल में दीदी और दीदी खेला होबो हो गया, उन्होंने एक कमेटी गठित कर रखी है, और या फिर आप एक पैनल बना के उसको कैबिनेट से अप्रूव करके फिर गवर्नर को भेजें। मुझे लगता है ऐसे कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगी, जो यूजीसी को ये बहुत कोट कर रहे हैं, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वीसी के कार्यकाल 5 साल का है। राजस्थान के अंदर एनएलयू एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें वाइस चांसलर का टेन्योर 5 साल का है। इसलिए 3 साल की अवधि आमूलचूल परिवर्तन करने, एक नए पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए कम है। आज हमारी सरकार का भी टर्म 5 साल होता है, तो 3 साल की अवधि कम होती है, तो मुझे लगता है सरकार को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम इसका टर्म 5 साल करें। एक मेरा सजेशन सरकार के लिए ये भी है कि एक हायर काउंसिल एजुकेशन में बनाएं, क्योंकि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ये लेकर आए हैं, जो सेफ्रनाइज करती है, प्राइवेटाइज करती है, और क्योंकि सब बता रहे थे कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी अभी लागू करेंगे, हमें भी स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। और कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं मानती हूँ कि हम अपने लास्ट लेग के बजट के तरफ आ गए हैं, बट 3 मंथ्स के अंदर अगर हम कमेटी गठित करें, डेलिब्रेशन करें, और तो वो हमारे को फ्रेमवर्क दे सकती है। दूसरी बात आ जाती है, जो अभी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी, जिसको कैंसिल कर दिया था गवर्नर ने, राजस्थान गवर्नर स्टॉप सिंडिकेट मीटिंग इन जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, मैं वो ऑर्डर भी अपने साथ लेकर आई हूँ, जिसमें वो कहते हैं, एक ऑर्डर निकालते हैं और कहते हैं उनके द्वारा विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है, अंतिम 3 महीनों में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं होने चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, डज द गवर्नर हैव द पावर टू टेक आउट समथिंग सो इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। 3 माह में क्या हो जाएगा? क्या कुलपति को चुनाव लड़ना है? क्या वो मतदाताओं को प्रभावित करेंगे? ऐसा क्या हो जाएगा? और इस 3 महीने के अंदर आप यूनिवर्सिटी के रूटीन वर्क्स को भी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल लेम डक कर देना चाहते हैं, ये आपकी मंशा है। एनीथिंग दैट डज नॉट फिट इन टू योर पॉलिटिकल एजेंडा दैट कैन बी मिस यूज बाई दीज हिटलरशाही फरमान जो इस तरीके से निकालते हैं। यशपाल कमेटी कहती है हर राज्य के अंदर एजुकेशन काउंसिल बनाएं। आप एक काउंसिल बनाकर उसके अंदर चेयरमैन शिक्षा मंत्री रह जाएं, एमिनेंट शिक्षाविद रह जाएं, हु विल टॉक अबाउट द ऑटोनॉमी, हु विल टॉक अबाउट एक्सीलेंस, हु विल टॉक अबाउट फेयर टीचर रिक्रूटमेंट, हु विल टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन ऑफ अ वाइस चांसलर, कॉम्प्रिहेंसिव वर्क पेपर दे और पूरे हायर एजुकेशन के आर्किटेक्चर पर प्रपोजल दे सके। मेरा ये सुझाव है कि हमें करने की ज़रूरत है, नहीं तो अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पूरा का पूरा भगवाकरण करेंगे। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं देती हूँ, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन के ऊपर जाते हैं इनॉग्रेशन के अंदर और कहते हैं, आई एम सरप्राइज टू सी अ वाइस प्रेसिडेंट of India can have such a quote, and I quote what he says: "We are accused of saffronizing education, but then what is wrong with saffron?" Anurag Thakur bhi kehte hain ki bhagwa desh ka rang hai, to rashtriya rang ghoshit kar dijiye, aapke political agenda ko suit karta hai। हम इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 75 की बात करते हैं, इंडिया अमृतकाल में एंटर हो रहा है, 1 साल के बजट को आप 25 साल का प्रावधान कर देते हैं कि इंडिया अमृतकाल में एंटर हो रहा है। डू यू वांट इंडिया टू बी प्रोग्रेसिव और डू वांट टू बी रिग्रेसिव? जस्ट बिकॉज बींग सैफ्रनाइजिंग एंड वॉट इज रॉन्ग विद सैफ्रन, अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेज बिकॉज इट सूट्स योर पॉलिटिकल एजेंडा, और आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से अंधी हो जाएं जो आपके अल्टीमेट गोल, आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करें। आई वेलकम दिस बिल एंड आई देयरफॉर विड्रॉ माई अमेंडमेंट। थैंक यू।